काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए टॉप 3 ऐसे थीम का कलेक्शन लेके आया हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन का जो UI है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और नया सा लुक आपको देखने को मिलेगा अपने MIUI के किसी भी डिवाइसेज के अंदर। और आज का ये थीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो मेरे लिए ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और आज के थीम अगर आपको पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि इसी टाइप के वीडियोज और मिलते रहें तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इन टॉप 3 थीम में से कोई एक थीम आपका काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होने वाला है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 1x1 करके कि इन थीम के साथ हमें क्या कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है और हमारे फ़ोन के अंदर अप्लाई होने के बाद किस टाइप का लुक देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके क्लॉक में कितना अच्छा खासा आपको एनिमेशन नज़र आता है। जब भी मैं पेज को लेफ्ट एंड राइट करता हूँ तो काफ़ी अच्छा खासा ब्यूटीफुल सा एनिमेशन नज़र आता है। साथ साथ क्लॉक के ऊपर आपको विजेट के साथ एक 999 नज़र आता है जिस पर टैप करने पे यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन नज़र आते हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम टैप करते हैं तो हमारा क्लॉक चेंज हो जाता है और नए लुक में नए विजेट के साथ ये नज़र आता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देता है, फिर से अगर टैप करके फिर से करें तो आपको हर बार अलग अलग नए फॉन्ट डिज़ाइन और शेप के साथ नए नए क्लॉक देखने को मिलते हैं। तो करीब करीब यहाँ पे 4 से 5 तक के क्लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो भी आपको क्लॉक्स पसंद आते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ऑप्शन मिलता है आपके होम स्क्रीन के विजेट्स क्लॉक के साथ, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, नीचे जो इसके आइकन पैक दिए गए हैं ये काफ़ी डिफरेंट कलर में यूज किए गए हैं और थोड़ा अलग सा शेप दिखाई देता है जो कि काफ़ी यूनिक सा लुक प्रोवाइड करता है। और इसके मल्टी कलर का वॉलपेपर इसके आइकन और विजेट के साथ पूरे होम स्क्रीन के लुक को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और क्लीन बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर नीचे की ओर आते हैं और आप यहाँ पे ओल्ड UI यूज कर रहे हो अपने MIUI 12 के ऊपर, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा लुक देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देख पाओगे कि वोल्टी के आइकन में जो V है वो काफ़ी बड़ा है और बाकी अदर काफ़ी स्मॉल दिखाई देता है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा चेंज किया गया है। इतना ही नहीं, सेटिंग्स में इन करने के बाद आपको हल्का फुल्का चेंज सेटिंग्स के आइकन में देखने को मिलेगा जो कि पहले जैसा ही लगता है, बट आपको अगर अच्छे से पता है कि क्या आइकन है तो आपको साफ साफ यहाँ पे क्लियर चेंज नज़र आएगा। इतना ही नहीं, अगर डिस्प्ले के अंदर आने के बाद अगर हम न्यू कंट्रोल सेंटर को ऑन कर लेते हैं सेटिंग से, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा चेंज दिखाई देता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लुक प्रोवाइड करता है। तो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और हर एक जगह आपको काफ़ी बेहतरीन सा लुक देखने को मिलेगा। और अगर हम लॉक करके आते हैं अपने लॉक स्क्रीन पे, तो काफ़ी कमाल का और काफ़ी ज़्यादा आपको विजेट्स देखने को मिलते हैं हर एक एप्लीकेशन के, जिसमें से आपको म्यूजिक प्लेयर, सेटिंग, बैटरी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फ़ोन, इंस्टाग्राम, गैलरी, टाइमिंग, वेदर वगैरह दिखाई देता है और कैमरा। और सिर्फ दिखाई नहीं देता है, इस पर आप टैप करोगे तो डायरेक्ट वो सेटिंग आपका ओपन हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर हम इसे फिर से स्वाइप कर दें तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको विजेट्स देखने को मिलता है म्यूजिक प्लेयर का, टेलीग्राम का, पेमेंट का, यहाँ पे प्ले स्टोर्स का, कैलेंडर का, फेसबुक का, टाइमिंग का। तो काफ़ी अच्छा और यूनिक सा लुक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारे लॉक स्क्रीन पे और साथ साथ यहाँ पे हमारे होम स्क्रीन के ऊपर भी, क्योंकि बहुत कम ऐसे थीम हैं जिनमें ये सारे कस्टमाइजेशन आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। हमारे नेक्स्ट थीम की बात करें तो ये उन यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा जिनको हल्का फुल्का चेंज पसंद आता है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन पसंद नहीं आता है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अलग टाइप का आपको आइकन का डिज़ाइन देखने को मिलता है और नीचे के लाइनिंग पे आपको मिरर इफेक्ट नज़र आता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेंज आपको हर एक आइकन पे देखने को मिलता है, साथ साथ इसका टाइमिंग भी आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है और डबल कलर में ये नज़र आता है। अगर हम अपने कंट्रोल सेंटर पे आए तो यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पहले वाले थीम के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी चेंज भी हमें नज़र आता है। अगर सेटिंग और इन करते हैं तो सेटिंग पे आप देख पाओगे हर एक सेटिंग का आइकन यहाँ पे बदल चुका है और थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद अगर हम इसके कंट्रोल सेंटर को हटा के हमारे MIUI 11 के लुक को अगर इनेबल करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा लुक देखने को मिलता है। तो जितना अच्छा हमें कंट्रोल सेंटर पे दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे ओल्ड लुक पे देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और यहाँ पर सेटिंग का, बैटरी का आइकन और यहाँ पर नेटवर्क आइकन में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ज़्यादा पसंद आता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। अगर हम अपने लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ आपको पहले जैसा ही देखने को मिलता है। बट ये जो वॉलपेपर है इसे मैंने अलग से इंस्टॉल कर रखा है, यानी अप्लाई कर रखा है, क्योंकि इसके साथ डिफरेंट हमें वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो किस टाइप का रहेगा और क्या नाम होंगे इन थीम का, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर। हमारे आज के लास्ट थीम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको लगेगा अगर आपको डार्क वॉलपेपर वगैरह ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो क्लॉक है काफ़ी अच्छा खासा है, और इसके साथ आपको म्यूजिक प्लेयर का भी विजेट्स देखने को मिलता है। नीचे आने पे आपको ग्रेडिएंट टाइप का आइकन पैक देखने को मिलता है, जो कि अलग शेप में बाकी दोनों थीम के कंपैरिजन में। साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉलपेपर काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट दिखाई देगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। और अगर यहाँ पे आपका होम स्क्रीन दो पेज में कंप्लीट होता है तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। और आप धीरे धीरे स्लाइड करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इमेज दिखाई देगा बैकग्राउंड वॉलपेपर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बट अगर आप अपने होम स्क्रीन के आइकन्स को तीन पेज में चेंज कर देते हो तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर इमेज देखने को मिलेगा, यानी जो वॉलपेपर यहाँ पे यूज किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज और यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देता है इसके डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साथ साथ आइकन आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरे का कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारा जो यहाँ पे बैटरी है, वाईफाई है, नेटवर्क है, ये बिल्कुल ही नए लुक में नज़र आ रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर सेटिंग और इन कर जाए तो सेटिंग्स में आपको इस साइड एरो निशान देता है, और यहाँ पे पूरा आइकन चेंज हो चुका है, बाकी दोनों थीम से बिल्कुल ही अलग है। और ऊपर का सर्च बार भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आता है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, जो कि देखने में काफ़ी अलग है बाकी अदर थीम के कंपैरिजन में। और यहाँ पे अगर इसे ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट ब्लर इफेक्ट टाइप का दिखाई देता है पॉपअप, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ब्राइटनेस स्लाइडर आप देख सकते हैं, छोटा सा स्केल दिखाई दे रहा है बीच में, बाकी आपको ब्लर इफेक्ट दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी अदर दोनों थीम के कंपैरिजन में। और अगर मैं इसे लुक दे देता हूँ हमारे एंड्रॉयड 10 के MIUI 11 का, तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। यह बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हर जगह आपको नया लुक देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन में आपको ब्लैक दिखाई देगा, सेटिंग्स पे आ जाते हैं तो वाइट की जगह आपको कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक देता है। और साथ साथ हमारा जो वॉल्यूम बार है इसमें भी हल्का फुल्का आपको चेंज देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा है और काफ़ी अमेजिंग सा लुक प्रोवाइड करता है। और डिफरेंट आपको लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्लाइड करते ही म्यूजिक प्लेयर आपको दिखाई देता है, जो भी आप म्यूजिक लिसन करोगे उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इधर की ओर आपको कैमरा देखने को मिलता ही मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आइकन दिखाई देता है जिस पर टैप करेंगे स्लाइड करके, तो इधर म्यूजिक प्लेयर और इधर कैमरा, जो कि मैंने आपको दिखाया है। अब बात करते हैं कि ये तीनों थीम क्या है, इनका नाम क्या है, क्या आपको यहाँ पे थीम स्टोर में टाइप करना होगा ताकि आप इस थीम को डाउनलोड कर पाओ। तो आ जाते हैं हम अपने थीम स्टोर पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साक्षी ब्लू आपको देखने को मिलता है, जो कि 19.2 MB का है। तो इसे आप अपने रीजन को इंडिया पे सेट करके इसे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट थीम की बात करें तो ये हमें दिखाई देता है प्रोजेक्ट वन, जो कि काफ़ी ज़्यादा विजेट्स प्रोवाइड करता है और काफ़ी अमेजिंग से लुक हमें देखने को मिलता है। और ये हमारा आता है क्यूपी V12, जो कि एक छोटा मोटा लोकल सा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, जो कि आपको अगर कम कस्टमाइजेशन प्रोवाइड वाला थीम पसंद है तो ये आपको पसंद आएगा। और अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो इसका हमें वॉलपेपर जो डार्क देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको टाइमिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखाई देगा, और मिनट यहाँ पे ब्लैक होने की वजह से गायब हो गया है। इसलिए मैंने आपको बताते टाइम डिफरेंट वॉलपेपर यूज किया था। तो इस तरीके से आपको ये तीनों थीम देखने को मिलते हैं, जिसे आप अपने थीम स्टोर से ईजी से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। आपका क्या ख्याल है इन थीम के बारे में, आपको कौन सा थीम पसंद आया, आप कमेंट करके
करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइज, आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सपोर्ट के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप कमेंट करने वाले इस सेटअप के बारे में, तो इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। उसके बाद आप ये सेम सेटअप अपने फ़ोन के ऊपर भी है जो बना सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।